झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो लग रहा था किसके सिर पर ताज सजेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति जो है साफ होती नजर आ रही है और जेएमएम प्लस को जिस तरीके से सीट मिलती नजर आ रही है साफ हो चुकी है तस्वीर। लेकिन बस कुछ घंटों का और इंतजार, 81 की 81 सीटें पता चल जाएंगी। झारखंड की 81 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक जो है वो हुआ था। 24 जिला मुख्यालयों में काउंटिंग सेंटर है। मतगणना का अधिकतम दौर जो है चतरा में 28 राउंड और सबसे कम 2 राउंड चंदन कियारी और तोरपा सीटों पर होगा। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी अकेले मैदान में उतरी है, वहीं कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी गठबंधन कर चुनाव लड़ी है और यही गठबंधन जो है आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट पूरी तरीके से घोषित नहीं कर दिया जाता थोड़ा इंतजार करना होगा। इस चुनाव में 1215 प्रत्याशियों ने भाग्य का फैसला जो है वो होना है। खुद झारखंड के सीएम रघुवर दास जो हैं वो लगातार पीछे चल रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आजसू और बीजेपी के बीच में जो कलह हुई और आखिरी मोमेंट तक जिस तरीके से हुआ कि क्या ये गठबंधन साथ में रहेगा, गठबंधन का धर्म निभाते हुए दोनों पार्टियां जो हैं वो चुनाव में उतरेंगी, लेकिन सीटों को लेकर जिस तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से रसाकसी का माहौल देखने को मिला उसका कहीं ना कहीं फायदा गठबंधन को यहाँ मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले या हम झारखंड में कांग्रेस दफ्तर की बात कर ले, तो जिस तरीके से रुझान जब आने चालू हुए थे उसके बाद 10 से 11 बजे के लगभग जो स्थिति बनने लगी थी उस वक्त से ही कार्यकर्ता जो है वो खुश हो चुके थे और उन्हें पता है कि ये गठबंधन आगे चल रही है। हालांकि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाए लेकिन मिठाइयां बंटने लगी, दौर जो है वो शुरू हो चुका है बधाइयां देने का और देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम के नारे लग रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। और जब एग्जिट पोल दिखाया गया था तो एग्जिट पोल में भी कुछ ना कुछ यही तस्वीर सामने आ रही थी कि किसी को भी पूरी तरह से कोई भी पार्टी आगे नजर नहीं आ रही है, या तो गठबंधन आगे चलेगा या फिर कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति हमें देखने को मिलती। लेकिन जब आज वोटों की गिनती शुरू हुई और धीरे धीरे रुझान जब है नतीजों में तब्दील होने शुरू हुए तो उसके बाद हमने तस्वीर देखी कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मिठाइयां बंटने लगी।